इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, अदालत ने अगर 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का कहा तो हुकूमत को कराना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है हमें कबूल करना होगा। आइन की तशरीह हमारा नहीं, आला अदलिया के जजेस का काम है। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। रात को दुकानें जल्द बंद करने के फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। नतीजा खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को हटाने के लिए उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को लाने पर जनरल बाजवा के पछतावे का इल्म नहीं। चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट किया गया और 126 दिन का धरना कराया गया। हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की, माजी में भी नवाज शरीफ की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पाया, अब भी वही मुश्किलात पर काबू पाएंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान, अशिया खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर। चीनी की डबल सेंचुरी, आटा, घी, दालों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये से भी बढ़ गई। कोयटा में चीनी 220 रुपये फी किलो में फरोख। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और जिला इंतजामिया मंजर आम से मुकम्मल गायब। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 180 रुपये तक पहुँच गई। मुजफ्फराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 200 से 250 रुपये हो गई। लाहौर और रावलपिंडी में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुहिम को इवेंट रिस्पांस का नाम दिया गया। 7,87,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 7,400 से ज्यादा वर्कर्स हिस्सा लेंगे। स्वीडन के शहर मालमो में कुरान पाक की बेहरमती पर हंगामे फूट पड़े। मुतअद्दिद गाड़ी नजर आतिश मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।